अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। पीडीए के आगे आपको लगता है हिंदुत्व का दाव फेल हो गया। पीडीए तो सबके लिए है, आप बात क्यों रहे? यही दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे समय चुनाव में किससे बात करती है? मंगलसूत्र पे बात की, जो पहली फेल हुआ, दूसरी फेल हुआ, तीसरा चुनाव लड़ा तो तीसरी फेल हुआ, कहता है कि मैं पास हो गया हूँ। जो लोग राम मंदिर को कल तक बेकार बोल रहे थे, सनातन समाप्ति की बात कर रहे थे, आज वो भी जय श्री राम बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है रोम रोम करने वाले राम राम करने लगे हैं। पीएम चुनाव नहीं आ रहे हैं अयोध्या का, चुनाव हारा है जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज। एक सेकंड, देश के हिंदुओं ने नकारा आपको, इसी चुनाव में कहा गया। और दूसरी तरफ इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा जा रहा था कि कैंडिडेट वैंडिडेट बदले किए, लेकिन देखिए मोदी को कौन हरा सकता है, इसलिए वहां पर तो वोट जिहाद हो। और दूसरी तरफ मतलब एक जगह मत काटो, एक जगह में भी 100 जगह काटो। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। देश के राजनीतिक इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ होगा कि एक गठबंधन या यू कहें कि प्री पोल अलायंस ने को जनता ने सरकार बनाने का मैंडेट दिया, इसके बावजूद समूचा का समूचा विपक्ष कई दिनों तक नैरेटिव बनाने में जुटा रहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उस गठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, एनडीए गठबंधन टूट जाएगा, सरकार नहीं चल पाएगी, ये भ्रम फैलाने की भी भरपूर कोशिश की गई। लेकिन इन तमाम सियासी व्यवधान के बीच मोदी सरकार के 3.0 की तस्वीर देश के सामने साफ हो गई। नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक एनडीए के तमाम सहयोगी दलों ने यह खुलकर कह दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर अटूट विश्वास है, भरोसा है। और इसके बाद पीएम मोदी ने भी विपक्ष के खिलाफ खुलकर बैटिंग की और कहा, मुझे लगा था कि चुनावी नतीजों के बाद विपक्ष ईवीएम की अर्थी निकालेगा, लेकिन 4 जून की शाम होते होते इनके मुंह पर ताले लग गए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग पहले धीरे धीरे डूब रहे थे, लेकिन अब और तेजी से डूबने वाले हैं। लेकिन आज कुछ बड़े सवालों का जवाब तलाशने बेहद आवश्यक है, क्योंकि रामलला का भव्य मंदिर बनने के बावजूद अयोध्या की सीट बीजेपी क्यों हार गई? तो क्या इसके पीछे पीडीए का एक बड़ा फैक्टर काम कर गया? आखिर महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक बीजेपी उम्मीद के मुताबिक नतीजे क्यों नहीं हासिल कर पाई? इन तमाम सवालों पर भी चर्चा आवश्यक है। तो आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। मोदी 3.0, मोदी राज वापस आ रहा है। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? लगातार ईवीएम को गाली देना, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं नहीं हमारे देश में डेमोक्रेसी का कुछ नहीं, वो मोदी बैठ गया है, वो चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़ की होगी। 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, और नरेंद्र मोदी ने आज इस तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है, इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। आई प्राउडली प्रपोज द नेम ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे। प्रस्ताव माननीय राजनाथ सिंह जी ने हम सबके सामने रखा, सदन के सामने रखा जाता है। आप सबसे निवेदन है कि करतल ध्वनि के साथ इस
मैं एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से कहूंगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। योजनाबद्ध तरीके से देश को हिंसा की आग में झोंकने का भाषण बयान दिए जाते थे। यहां इकट्ठे होना, यहां पहुंचना, यहां करना, देश के लोगों को बांटने का प्रयास किया। अरे चुनाव एक ऐसा लोकोत्सव होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़े, तोड़ने के लिए नहीं होता है। और आपने देखा दो दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं, हम विजय को पचाना जानते हैं। उधर चुनाव के नतीजों पर अभी भी माथापच्ची जारी है। आरोप है कि प्लानिंग के तहत हिंदुओं को जातियों में बांटा गया और मुस्लिमों को एकजुट रहकर एक मुश्त वोट देने को कहा गया। एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघीय सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं देखा जा सकता, इलेक्शन में आपको दिल्ली सरकार को देखना होगा। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2024 का जनादेश क्या संदेश लेकर आया है, और सवाल ये भी कि 2024 के बाद से देश की सियासत की दशा और दिशा क्या होने वाली है। तो 2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी हो रही है, लेकिन बहस के मुद्दे क्या है? क्या पीडीए के आगे हिंदुत्व का दांव फेल हो गया है? यह बड़ा सवाल है आज का, और यह बहस का मुद्दा है। वोट जिहाद की अपील चुनाव का टर्निंग पॉइंट बनी क्या इस चुनाव के अंदर, और मोदी 3 पॉइंटों में करे और बड़े फैसले क्या जारी रहेंगे, और चौथा बड़ा मुद्दा नतीजों के बाद क्या ईवीएम की अर्थी निकलने से बच गई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, क्योंकि हाई ईवीएम बाय ईवीएम बार बार ईवीएम पे जो ठीकरा फोड़ा जा रहा था शायद वो अब टाटा बाय बाय हो जाएगा। और मेरे साथ बात करने के लिए आज बड़े प्रभावी लोग हैं। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा है, जनता दल यूनाइटेड के नेता, एनडीए के अलायंस पार्टनर। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता। इनकी पार्टी को एक बड़ा बड़ा लाभ मिला है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के अंदर। विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के, और मेरे साथ स्वामी दीपांकर भी है, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो सबसे पहले डॉक्टर भदौरिया, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। तो पीडीए के आगे आपको लगता है हिंदुत्व का दांव फेल हो गया? देखिए, हम समाजवादी लोग हमेशा से समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी चिंता करते हैं जी। समाज के अंदर में युवा है, छात्र है, महिलाएं हैं, किसान हैं, आम आदमी है जी। और वो परेशानी उस किस बात से होती है उनको? उनको परेशानी होती है महंगाई से, बेरोजगारी से, सामाजिक न्याय से। और हमने उसके ऊपर काम किया, हमने कहा पीडीए हमारा है और हम समाज के अंदर में सामाजिक न्याय की बात करेंगे और उनको रोजगार दिलाने की बात करेंगे। हम इसको लेके जनता के बीच में रहे। और आपने देखा प्रभु राम का आशीर्वाद भी किसको मिला? समाजवादियों को मिला, क्योंकि प्रभु राम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के बारे में जो बात कर रहा है उनके साथ प्रभु राम खड़े दिखाई देंगे। रामेश्वरम में भी हम जीते, नासिक में भी हम जीते, अयोध्या में भी हम जीते। ये समाजवादी के इसलिए जीती है इंडिया गठबंधन, क्योंकि वो भगवान प्रभु समझ गए हैं कि यही वो लोग हैं जो हमारे बच्चों बच्चियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपकी राय में हिंदुत्व हार गया, पीडीए जीत गया? मेरी राय में हिंदुत्व की बात को फिर आपने वो हिंदुत्व और मुस्लिम इस पे आ गए। मैं तो मुस्लिम नहीं, 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 मेरे समाज में हिंदुस्तान जीता है, हिंदुस्तान जीता है, पीडीए का नाम लिया। हिंदुत्व हिंदुत्व के लिए भी पीडीए है, ऐसा नहीं है। पीडीए तो सबके लिए है, पीडीए तो सबके लिए है। आप बात क्यों रहे? यही दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे समय चुनाव में किस पे बात करती है? मंगलसूत्र पे बात की, मीट पे की, मछली पे की, मुर्गे पे की, पाकिस्तान पे की, फिर किस पे करती है? नहीं, यहाँ पे इसको कहते बाबरी ताला पे की। आप इस पे वोट मांगे, भैंस खोलने पे वोट मांगेंगे? आपने जनता के मुद्दों पे वोट नहीं मांगा, जनता ने आपको नकार दिया। ओके, उसके बाद नहीं, अभी भी वही बात, पीडीए जीता है क्योंकि पीडीए सामाजिक न्याय की बात करता है। पीडीए की मतलब आप इंडिया अलायंस की टोटल सीट्स क्या है? इंडिया अलायंस की टोटल सीट 234। और बीजेपी की कितनी सीट है टोटल? बीजेपी की सीट 240। तो किसमें तो जीता कौन है? थी 405। कौन है मतलब? 405 240 वाला, 234 वाला।
प्रधानमंत्री ने बड़ी बात बोली, मैं पढ़ के सुना देता हूं जो प्रधानमंत्री ने बोला। ना हम हारे थे ना हम हारे हैं, लेकिन जीत पचाना हमें आता है। प्रधानमंत्री ने यह बोला, हमारी जीत की कोख से उन्माद पैदा नहीं होता, हारे हुए लोगों का उपहास उड़ाना हमारे संस्कार में नहीं है। बीते पांच दिन, बीते चार दिन से ऐसा लग रहा है कि एनडीए तो हार गया है चुनाव और इंडिया अलायंस चुनाव जीत गया है। यह सवाल मेरा आप दोनों से, दोनों एनडीए पार्टनर से है। पहले शहजाद पूनावाला, आप देखिए, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर भी मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है, और मैं रेत में नहीं बल्कि पत्थर पर वो लकीर बन चुका हूँ, चाहे जितना भी प्रयास कर ले ये मोदी को नहीं रोक पाए, और एक साथ आने के बाद भी ये थक चुके हैं। अब बोलते हैं कि हम एनडीए कर रहे हैं, पर ये जब से एक साथ आए हैं उसके बाद इंडी बोलना बंद कर दिया है। एलओपी का नाम घोषित करते हैं, कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं कि राहुल गांधी एलओपी होंगे, अखिलेश को भूल जाइए। अच्छा, इनकी इंडिया अलायंस की मीटिंग में ना उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं ना हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं, और बता दीजिए अनुराग भदौरिया जी, चलिए अच्छा है कि अब मोदी है तो मुमकिन है। जो लोग राम मंदिर को कल तक बेकार बोल रहे थे, सनातन समाप्ति की बात कर रहे थे, आज वो भी जय श्री राम बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है रोम रोम करने वाले राम राम करने लगे हैं। चलिए कम से कम इतनी उपलब्धि है, पर क्योंकि आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, ऐसा है कि आपको पता होगा कि एक स्टूडेंट है जिसको हमेशा 100 में से 100 मिलता था, इस बार भी यूनिवर्सिटी टॉप किया है, केवल 90 मार्क्स आ चुके हैं, तो थोड़ा मायूस महसूस करता है, और जो हर बार फेल होता है उसे पासिंग मार्क्स ग्रेस में मिलते हैं, तो वो इतरा रहा है। तो मैं कह सकता हूं केवल इतना कह सकता हूं कि छोटी उड़ानों पर घमंड वो करते हैं जिन परिंदों को खुला आसमान नहीं भाता। हमारे लिए तो खुला आसमान था, हमने ख्वाहिश की 400 की, हम फिर भी बहुमत पा चुके हैं, परंतु जिनका बहुमत नहीं आया है, इन्होंने कहा हमने 400 का, अखिलेश जी ने कहा 79 मिली, 37 मतलब 42 नहीं मिला, कौन आ रहा? बीजेपी 17, अच्छा आप तो 80 के 80 रूल समझाए थे। देखिए कुछ स्टूडेंट्स है वो रूल्स मानते ही नहीं है, इसीलिए 10 सेकंड में समाप्त करिए देन विवेक जी। अच्छा, इन्होंने बात की सामाजिक न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। आपको पता है कि ये तमिलनाडु में हमारा 10% वोट बनने के बावजूद भी एक बकरी के गले पर अन्नामलाई की तस्वीर डालकर उसका कत्ल कर दिया गया, एक बेजुबान बकरी को मारने वाले, आइए हम सामने खड़े और कात है तो हमारी जुबान काट कर दिखाइए, हमारा गला काट कर बताइए। पर एक इंडिया लाइफ के नेता ने ट्वीट नहीं किया। विवेक जी, मैं जो अन्नामलाई की बात करी और अन्नामलाई के साथ मतलब बकरी को आगे रख के उनकी तस्वीर लगा के उनकी गर्दन काटना, वो तस्वीर मैं चाहता हूं जरा दिखाई जाए वीडियो वॉल पर वो तस्वीर, और हमारे व्यूअर्स को भी दिखाई जाए। मतलब क्या दिखाने की कोशिश नहीं, ये सिंबोलिज्म गलत था, क्या सिंबोलिज्म है, ये गलत था। इस तरह की चीजें हमारे प्रजातंत्र में नहीं होनी चाहिए। तो इंडिया अलायंस के एक भी नेता ने ट्वीट क्यों नहीं करा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए वो इतने अनपॉपुलर हैं कि पूरे तमिलनाडु के अंदर एक भी सीट नहीं है। दूसरी तस्वीर जो देखिए साहब, हमें जो चुनाव जीतने के बाद हुआ भाई, ये किसी इमैच्योर आदमी ने किया? इमैच्योर आदमी है देखिए मेरी बात सुनिए, अभी क्या है, आप मुझे एक बात बताइए, तमिलनाडु के अंदर खूब ड्रामा किया गया साहब, सनातन के खिलाफ बोला, हिंदू धर्म के खिलाफ बोला, ऐसा हो गया वैसा हो, इतनी डिबेट्स हमने करी, अन्नामलाई आज कहां खड़े हैं, बीजेपी कहां खड़ी है तमिलनाडु में, क्या हुआ उस बयान? चुनाव तो आप भी हारे हैं, हाँ सुनिए, आप लोग भी हारे हैं चुनाव, नहीं नहीं आप हारे हैं ना, तो किसने मैं जाना चाह रहा हूं, किस एनडीए के नेता ने, किस बीजेपी के नेता ने आपके नेता की गर्दन को आगे रख के बकरी को काटा है? ये गारंटी से कह रहे हो ये नेता है? आप गारंटी से कह रहे हो नेता है? नहीं, अरे कौन है बताइए, कौन है? मैंने किसी तरह का हर एनडीए से जोड़ दोगे? अरे ये वो लोग हैं जो एनडीए से नहीं, इंडिया से, अब मुझे सत्यप्रकाश मिश्रा, ये तो बार बार देखिए कहते हैं कि कई बार कोई बात जुबान पर आ जाती है, आप कहना नहीं चाहते, लेकिन ये भी एनडीए की बात करने लगे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा,
देखिए अभी वो उन्होंने गलती से एनडीए बोल दिया, लेकिन पॉइंट ये है कि दिस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जिसमें सहारनपुर में हमने देखा किस तरह का हुड़दंग मचा, हमने देखा कि मतलब अन्ना मनई की तस्वीर लगाकर बकरी की गर्दन काटी जा रही है, ये नैरेटिव क्या है? और प्रधानमंत्री ने बोला कि हमें जीत पचाना आता है। ये मोहब्बत की दुकान चलाने वालों का असली चेहरा बेनकाब कर रहा है, जो मोहब्बत की दुकान भारत जोड़ो यात्रा ये सब करके निकले थे उनके चेहरे से नकाब उतरने की ये कोशिश है। आज मोहब्बत की दुकान चलाने वाला जो नफरत के बाजार को मिटाने वाला था खामोश बैठा हिंदुस्तान में, जो पहली फेल हुआ, दूसरी फेल हुआ, तीसरा चुनाव लड़ा तो तीसरी फेल हुआ, कहता है कि मैं पास हो गया हूं, 99 नंबर आ गए हैं मुझे, 338 सीट लड़े कांग्रेस अकेले लेकिन 99 सीट जीती, कह रहे हमारी जीत हो गई। वाह, क्या झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ चुनाव में बोलते रहे, अब सामने आंकड़ा है फिर भी वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी बहुत बुरी हार हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम अलायंस के दल 292 गए। ठीक है, ये बात सही है कि हमने 400 का आंकड़ा रखा था, जीवन में लक्ष्य महान रखने चाहिए, ऊंचाइयां महान चढ़ने की रखनी चाहिए, नहीं चढ़ पाए कोई बात नहीं, हिंदुस्तान कभी न कभी वो ऊंचाई देगा, अगर काम अच्छा बेहतर करके आएंगे, लोगों के लिए योजनाएं बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी ने आज एनडीए की बैठक में कहा है, तो आने वाले चुनाव में भारत में एनडीए का भविष्य हमेशा प्रबल रहेगा। लेकिन अगर राहुल गांधी मुंह से बोलेंगे कि मोहब्बत की दुकान है और सड़क पर नफरत फैलता रहेगा, जेहाद का शब्द गूंजता रहेगा, तो इसका जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से दिया जाएगा। भारत जोड़ने वाला व्यक्ति आखिर खामोश क्यों है? कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक का सेक्युलरिज्म का सारा सूरमा चुप क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि अन्नामलाई एक संघर्षशील व्यक्ति है। अब मैं रुक करता हूं आपका स्वामी जी, पीडीए के आगे हिंदुत्व का दाव फेल हो गया, क्या आपको लगता है कि अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी तो बचा क्या? तो इसका मतलब राम मंदिर तो कोई मुद्दा नहीं था, और क्योंकि यात्राओं की बात चल रही है, आप तो खुद भिक्षा यात्रा निकाल रहे थे, क्या हुआ? निकाल रहे हैं, जारी है, छोड़ा नहीं। पहले तो सभी को, जितने धुरंधर जीत कर आए सभी को अनंत शुभकामनाएं, भारत के भविष्य के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करें, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। मैं पहला शब्द अन्नामलई पर कहना चाहता हूं दादा, दिल दुखा देखकर, वो व्यक्ति भी समाज के बीच में था, जोड़ रहा था, भले ही हमसे उत्तर प्रदेश से बहुत दूर है, मगर वाकई ही अन्नामलई को लेकर के मुझे अच्छे शब्द और अच्छी सोच दिमाग में आती है। इस तरीके की विचारधारा निसंदेह आपकी मानसिकता को परिदर्शित करती है, और ऐसी मानसिकता कम से कम भारत में, देश में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। जो लोग मौन हैं, तो मुझे दिनकर की वो पंक्ति याद आती है, गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। अब मैं बात कहना चाहता हूं अयोध्या पर, अयोध्या की जहां तक लोग चर्चा कर रहे हैं कि अयोध्या हारे, निसंदेह मैं समझता हूं कि पीएम चुनाव नहीं आ रहे अयोध्या का, चुनाव हारा है जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज। मैंने एक पॉलिटिकल लीडर का बयान सुना, कहते हैं कि वोट जिहाद करो, एक मौलाना कहते हैं कि कैंडिडेट मत देखो, सिर्फ एक मुश्त होकर वोट डालो। डालिए सर, जैसा डालना है सो डालिए, मगर फिर इन लोगों को क्यों बांट रहे हो, इनको क्यों बता रहे हो, जाट गुजर बनिया यादव ब्राह्मण बनिया, इन्हें क्यों बता रहे हो? अरे जाति होती तो पूरा हिंदुस्तान हारते, झुकना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, वो पहली बार बोल रहे हैं। बोलिए अमीश, इन्हें बांटो, नहीं नहीं अयोध्या में जोड़ने की आ गई, जहां जीते हैं वहां जातिवाद आई नहीं, बात करते हैं आप अयोध्या क्यों हार गए, सुन लीजिए, एक रोच ये हारे हैं अयोध्या क्यों हारे, क्योंकि आप हारे इसलिए हो कि आपने महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं, महिला समस्या, किसान पे बात नहीं की, तो आप जाति धर्म की बात करने लगे, हारने का ठीक है, हमारे समाज को बात जाति धर्म चाहते हो, बोलिए हम हारे हैं अपनी नीतियों से। मेरा मानना सिर्फ इतना है, पिछले 600 दिनों से मैं आपसे बात कर रहा हूं, पिछले 600 दिनों से मैंने मात्र इतना किया, 70-80 लाख लोगों को जोड़ा और कहा कि जातियों में ना बटकर आप यूनाइट रहें, एक रहें, सनातनी रहें। क्या सनातनी होना गुनाह है? वोट दे दिया, गुनाह है, इनको जोड़ा, सपा को वोट दे दिया, और जब गुनाह आप सब किसने बोला गुनाह है, तो कुछ नहीं ना। मुझे आज जीवन में पहली बार एहसास हुआ इस बात का कि 4 लोग 40 बातें और 400 अफवाह, कितनों पे ध्यान दोगे पार्थ, अपना लक्ष्य देखो, और अपना लक्ष्य बहुत क्लियर है। अगर आप सबको कहते हो कि जातियों में ना बटकर एक हो और सब समान रूप से जिए, सबको समान अधिकार हो, तो वो हमारे भाइयों की नजरों में गुनाह है। अगर आप कहें कि ऊंच नीच कीजिए, छोटा बड़ा कीजिए, वो आपके लिए सही है,
अरे जब जोड़ने की बात कर रहा हूं, जोड़ने में तो एक हो यार, लेकिन जुड़ा कहां? मेरा सवाल तो यही है, जुड़ा कहां? अमीश बाबू, ये तो बट गया। भगवान कृष्ण ने कहा, अयोध्या हार गए। भगवान कृष्ण ने कहा था कि किसी भी क्रांतिकारी विचार को पूर्ण होने में टाइम लगता है, शुरू में लोग ऐसा ही करते हैं, अपमानित ही करते हैं, अपमानित ही करते हैं, और कल को जब इस विचार का ताप होगा तो इन जैसे लोगों का हिम पिघल जाएगा, नासिक हार गए, पिघल जाएगा। ये मात्र वाराणसी हार गए और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शहजादपुरा वाला इसका जवाब है तुम्हारा। पहले तो नहीं, पहले उनको जवाब देने विवेक जी, आप ये तय नहीं करेंगे। हारे तो ये है ना विवेक, उनकी कैनवसिंग तो अपने नाम के हिसाब से काम लो, नाम के हिसाब से काम लो करते हैं। विवेक छोड़कर हमेशा काम में जबरदस्त हार, अयोध्या हार, नासिक हार, चित्रकूट हार, भगवान राम के सारे दर्शन हार, एक सेकंड रोको, देश के हिंदुओं ने नकारा आपको, आपके भगवाधारियों को नकारा, इनको नकारा, और हंग पार्लियामेंट है, ये चीख हंग पार्लियामेंट में कोई नहीं जीतता। जी जी, झूठ बोल रहे हैं, हंग पार्लियामेंट है, चालीस होना है। अरे ठीक है, एक सेकंड, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, उन्होंने बोला भगवाधारियों को हिंदू, ये हिंदुओं ने हराया है। विवेक जी, आपने जितना भड़ासा निकाल दिया, क्या और कुछ निकालना है? फिर मैं अपना जवाब प्रारंभ। नहीं, मैं तो 5 दिन बाद अपने दोस्त के साथ बैठूंगा, मिश्रा जी के साथ हमारी। अब मैं बोल दूं, 30 सेकंड बोल दूं, हमारे भाई हैं, आप दोनों की सहमति हो किसी विषय पर तो 30 सेकंड बोल दूं कि आप चीखेंगे चिल्लाएंगे। नहीं नहीं, आप ड्रामा करिए, चलिए आप बाहर जाने का ड्रामा तो करिए, एक बार मजा आएगा देखने में हमें भी। जनता ने आपको जेएनयू कैंटीन छोड़कर बाहर कर दिया। नहीं नहीं, हमारे जेएनयू कैंटीन छोड़कर सब जगह से बाहर कर दिया जनता ने आपको। लेफ्ट ने कहा रखा है, आप लेफ्ट कहीं पे नहीं, लेफ्ट अपनी बात रखिए। अब सुनिए, आप अपनी बात, अब अपनी बात रखिए। सबसे पहले तो एक सेकंड स्वामी जी, 10 सेकंड में अपनी बात सुना। सबसे पहले तो समाजवादी और वामपंथी अयोध्या की चिंता करने लगे, यही बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, पर सुनिए, बीच में मत बोलिए। अच्छा, मुझे बताइए कि ओडिशा में पूरी है कहां, कौन जीता वहां पर? मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल है, कौन जीता वहां पर? और बताइए कि उत्तराखंड में केदारनाथ है, कौन जीता वहां पर? और बताइए हिमाचल में देवभूमि है, कौन जीता वहां पर? बताइए, बताएंगे नहीं। और मैं आपसे आखिरी प्रधानमंत्री ने जय श्री राम, ये क्या तरीका है, ये क्या है भाई? नाथ पे आ गए, सुन लीजिए आप, जय श्री राम कहना बंद कर दिया प्रधानमंत्री ने, जय जगन्नाथ पे आ गए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। त्रिपुरा में मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, कौन जीता वहां पर? जवाब नहीं देंगे। और मैं इससे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। अब हाँ, आसाम में भी जीते हम, वहां पर भी जीते, वहां पर कामाख्या देवी का मंदिर है, परंतु मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इन्होंने कहा ना, ये वो लोग हैं जो कहते हैं धर्म हफीम है। अब बताइए, समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता राम मंदिर को बेकार बोलते हैं, राम गोपाल यादव, बताइए सहमत है आप? सहमत पब्लिक ने, सहमत है, सहमत पब्लिक ने, इन्हें चिल्लाया बयान है, लेकिन पब्लिक ने इन्हें चिल्लाया। दूसरी बात, लोकतंत्र में वोट, जैसे बोला गया वोट का जिहाद करो, लोकतंत्र में वोट की, जो वोट होता है वही मैंडेट होता है, तो इनके नेताओं ने जो बोला, यानी राम गोपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बोला, प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बोला कि राम मंदिर का नक्शा बेकार है, राम मंदिर का नक्शा बेकार है, तो पब्लिक ने तो एक्सेप्ट कर लिया ना कि उनको पसंद है, उनको ये मुद्दे पसंद है, खत्म बात हो गई। सुनिए, फाइनली बीजेपी तो अयोध्या हार ही गई ना। सुनिए, जीत गए, जीत गए। मैंने एक साधु का वीडियो देखा था जिसमें वो रो रहा था, वो कह रहा है ये अयोध्या नहीं हारी, ये हिंदू हार गए। अब मैं बताता हूं, अब मैं जवाब दूं, पता नहीं कौन रो रहा था। जवाब सुनिए, आप कह रहे हैं कि क्योंकि एक सीट में इन्होंने जीत पा ली और 37 सीट जीत गए, तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा हिंदू समाज हार गया, और जिस लोगों ने साधु कह रहा है, नहीं नहीं, जबरदस्ती हार गया हिंदू, इन्होंने कहा हार को कैसे धर्म के नाम पे ले जा रहे हैं, अयोध्या के लोग हैं जो हिंदू को जोड़ रहे हैं, बताइए हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो मतलब मुसलमानों ने जीता है, जो मुसलमान हार नहीं मान रहे हैं, इसी का हिंदू मुस्लिम भाषाओं में जीता है, मेरे समाज को मत बड़ा, आप ही ने, आप ही ने कहा ना, सब एक है, एक से एक सब एक है, सुन लीजिए, नहीं पर ये कमाल की एकता है, अगड़ा पिकड़ा, हम सब एक हैं, सब एक है, अब मत बाकी हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, यहाँ बात चलिए, चलिए मैं कमाल की बात करें, ये हिंदुस्तान है, सीखने ही हार गए तो कह रहे हैं हिंदू, हिंदू कहां से आ गया? तो अयोध्या में तो आपने बोला कि बीजेपी ने हरा दिया, आप ही ने तो बोला बीजेपी हार गई अयोध्या के अंदर, इसलिए बोला हिंदू ने हार गया, आप ही ने तो बोला कि नहीं बोला, सुनिए सुनिए, ये कहते हैं कि हम सब जगह हार गए, पता है आपको, कांग्रेस पार्टी को 14 राज्यों में 0 सीट मिली है, 16 राज्यों में उनका वोट शेयर कम हुआ है, हम अरुणाचल में जीते, आंध्र में हमारी सरकार पहली बार, वहां पे एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बन रही है, ओडिशा में पहली बार बन रही है, हमारी सरकार जो है सिक्किम में बनी है एनडीए की, और हारे हम हैं, जीते ये है, तो बाकी की जगह कौन वोट कर रहा है भाई, बाकी की जगह कौन वोट कर रहा है? पहले मोदी,
पहले मोदी सरकार हम जीते हैं, हम हार गए, 240 पे आए तो एनडीए की याद आ गई। क्या क्या बोला आपने, क्या बोला, क्या बोला? लेफ्ट की सीटें कितने बता दी, लेफ्ट की सीटें कितनी है, सुनिए, लेफ्ट की सीटें कितने बता दी, लेफ्ट चुनाव लड़ रहे थे, एक सेकंड सब सुनो, क्या बोला आपने, क्या बोला? जब चुनाव लड़ रहे थे तो कहते थे साहब मोदी सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार, एनडीए का नाम ही नहीं था। एक सेकंड, जब 240 आए तो कह रहे साहब एनडीए की सरकार। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाइए आप लोग, यही बोला ना आपने, मोदी सरकार। ये पीछे क्या लिखा है, क्या क्या लिखा पीछे, मोदी सरकार 3.0। नहीं नहीं, ये तो प्रधानमंत्री बनने के बाद है। अब नहीं नहीं, सुनो, प्रधानमंत्री बनने के बाद है। सुनो सुनो, अच्छा ये बताइए, ये जो एनडीए सरकार है, ये मोदी सरकार है कि नहीं? मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, और मोदी जी ने स्वयं एनडीए की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, बजाओ ताली, क्या कह रहे हैं, एनडीए की सरकार है, मोदी जी ने खुद कहा है एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार। केवल एक वाक्य, एक वाक्य, ये कह रहे हैं कि हमने मोदी मोदी सरकार बोला, अब इंडिया बोल रहे हैं। इनसे पूछिए, इनका केरल में इंडिया अलायंस कहाँ था? फिर केरल, केरल में इंडिया अलायंस कहाँ था? वहां पर राहुल गांधी को लात मार रहे थे, और यहाँ पर आकर दोस्ती कर रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बेस्ट है राहुल गांधी के साथ, कहाँ से मुझे लगता है डिबेट की, कहा था? नहीं नहीं, मैं केरल को छोड़िए, केरल को छोड़िए, केरल को छोड़िए, पीछे होइए, पीछे होइए। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, देखिए अभी क्या हुआ, अभी अनुराग भदौरिया साहब ने क्या करा, उन्होंने एनडीए की सरकार पे ताली बजा दी, जबकि इंडिया अलायंस के ये एनडीए सरकार बनने पे ताली बजा रहे हैं। मतलब कमाल हो गया, एनडीए सरकार बनने पे ताली बजा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं भाई, एनडीए सरकार बनने पे ताली बजा रहे हैं। ओके, क्या सवाल है? जी जी जी, बोलिए बोलिए, खड़े खड़े होकर पूछिए। सर मेरा मेरा क्या पॉइंट है आपका? सर मेरा पॉइंट ये है कि जो सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली जब हम पॉलिटिकल कैंपेनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपोजिशन पार्टी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसकी वीडियोस को कहीं ना कहीं प्रमोट करिए और चीज़ें करिए जो कि एक सर प्रोपोगेंडा क्रिएट करे डिक्टेटरशिप का। और सर वो बहुत वो जुड़े हुए हैं INC से, और वो INC के नेता हर्ष मदार वो जॉर्ज सोरेस से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे $100 करोड़ दे रहे हैं कि जितने भी पार्टी हैं जो कि देश के लिए काम कर रही हैं उनको हटा दिया जाए। ओके ओके, ये आपका कहना है। ओके ओके, आपका पॉइंट क्या है? सर मैं इनसे ये कहना चाहूंगा, ये तब से सपा की सरकार कह रही है महंगाई महंगाई। सर आपने इस बार का वो रिपोर्ट नहीं पढ़ा, 4.72 वो इन्फ्लेशन रेट है जी, जी, अभी तक का सबसे लोएस्ट। जी 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 जी, ओके ओके, आपका पॉइंट क्या है? सर राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ बोली थी कि इस बार 295 सीट आने वाली है, तो वो 295 सीट कहाँ आई, जीती तो बीजेपी सरकार। पॉइंट ये है कि देखिए एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है, और नैरेटिव बिल्डिंग में कि एनडीए का अगर शासन आएगा, मोदी का अगर शासन आएगा, तो आप लोग तो यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व वाली पार्टियां आरक्षण को समाप्त कर देगी, ये नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया, जिसका खमियाजा उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में हुआ। मैं इतिहास में बताता हूं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी के सामने ये अवसर आया कि ओबीसी आरक्षण का समय जो है 10 साल पूरा हो चुका है, तो हर 10 साल पे वो बढ़ता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको 10 साल के लिए बढ़ाया, और हर सरकारें बढ़ाती रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में जो आर्थिक रूप में पिछड़े लोग थे उनको भी 10% आरक्षण दिया, तो खत्म करने का तो सवाल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लंबे समय से महिला आरक्षण विधेयक लंबित पड़ा था, कांग्रेस उसको तरह तरह की पेच में फंसा के रखती थी, और समाजवादी पार्टी तो चाहती ही नहीं थी कि महिला आरक्षण विधेयक पास हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की तमाम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संसद विधानसभा में जाने के लिए दिया। तो जो पार्टियां आरक्षण दे रही हो वो पार्टियां आरक्षण कैसे खत्म कर सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इस बच्ची का एक सवाल है कि कांग्रेस, आपका सवाल है ना कि कांग्रेस ने कहा कि 75% या आरक्षण बढ़ाएंगे। हमारी बिहार में सरकार है, सरकार ने जातिगत सर्वे कराया और 10% आरक्षण अति पिछड़े वर्ग के लिए बढ़ाया। कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, कब वहां अति पिछड़े का 10% आरक्षण बढ़ाया जाएगा? वेरी गुड पॉइंट, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। विवेक 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 इस बात का जवाब देंगे। विवेक वैसे तो जातिगत जनगणना के पक्ष में है इंडिया अलायंस, लेकिन लेकिन और उस सर्वे के पक्ष में है, लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां ये क्यों नहीं हो पा रहा? और देखिए एक चीज में आप कामयाब रहे, यानी पीडीए का जो फॉर्मूला था उसमें आप कामयाब रहे, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक थे, और हिंदुओं को डिवाइड करने में कामयाब कामयाब रहे। देखिए मैं इसको ये नहीं कहूंगा हिंदुओं को हम डिवाइड करने में, क्योंकि मैंने तीर्थ स्थलों के नाम स्वामी जी को बताए, रामेश्वरम क्या वहां भी पीडीए था, नासिक वहां भी पीडीए था,
चित्रकूट भगवान राम की मूवी वहां भी पीडीए था, अयोध्या वहां भी पीडीए था, नहीं डेवलपमेंट की बात थी। मैं अयोध्या गया, वाराणसी आपके चैनल के माध्यम से गया, उसके पहले 7-8 मैं जिलों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के घूम करके आया। अगर आप बाहर के बिजनेसमैन को ला करके अयोध्या की दुकानों के ठेके दे दोगे, वाराणसी के ट्रॉलर्स दे दोगे और लोकल्स को जॉब्स नहीं मिलेंगी, 4-5 किलोमीटर में दुकानें तोड़ोगे हाईवे बनाने के लिए और अयोध्या के नागरिक को मुआवजा नहीं मिलेगा, तो वो आपके खिलाफ वोट करेगा। आपने आपके वक्तव्य को सुना, आपकी लॉजिकल बात है, लेकिन एक बात यह भी तो सच है कि एक तरफ अपील करी जा रही थी, जो नोमानी साहब ने अपील करी महाराष्ट्र के अंदर और जो एक नेत्री ने अपील करी उत्तर प्रदेश के अंदर कि वोट जिहाद होना चाहिए। एक तरफ तो आप अपील कर रहे हैं कि एकमुश्त होकर आप वोट डालिए, यही आप ही के अलायंस पार्टनर्स के लिए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप पिछड़ा दलित ठाकुर ब्राह्मण सैनी शाक्या मौर्य बनिया इन सब में डिवाइड होकर वोट डालिए। क्या मैं आपको उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बताता हूं? नहीं, ये सुनना पड़ेगा। आप विवेक जी, कहा गया कि उत्तर प्रदेश में राजपूत नाराज है इसी चुनाव के अंदर, कहा गया उत्तर प्रदेश के अंदर जाट नाराज है, कहा गया इसी चुनाव के अंदर बीजेपी से मोदी से ये कहा गया, उत्तर प्रदेश के अंदर दलित नाराज है बीजेपी के साथ इसलिए वोट नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में ओबीसी का एक वर्ग नाराज है वो बीजेपी के साथ वोट नहीं करेगा, राजभर नाराज है इसलिए वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा, इसी चुनाव में कहा गया। और दूसरी तरफ इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा जा रहा था कि कैंडिडेट वैंडिडेट मत देखिए, लेकिन देखिए मोदी को कौन हरा सकता है, इसलिए वहां पर तो वोट जिहाद हो। और दूसरी तरफ मतलब एक जगह मत काटो, एक जगह में भी 100 जगह काटो, एक जगह में भी 100 जगह काटो और फिर अपनी पॉलिटिकल गेम बना दो। उस पे क्या कहना चाहते हैं आप? एक सेकंड चुप, सब शांत हो जाए, 30 सेकंड इस पे जवाब। पहली चीज देखिए, ये हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, आप सुनिए, बहुत कुछ हुआ इस चुनाव के अंदर। हैदराबाद में ओवैसी साहब के सामने जो माधवी लता जी, जिनका आपने भी इंटरव्यू लिया था, जब वो खड़ी थी तो मस्जिद को इशारा करके तीर चलाई, ये भी हुआ था, ऐसी बहुत सी बातें हुई थी, लेकिन ये चीजें रेटरिक में होती हैं, गलत हैं। लेकिन मेन मुद्दा, इस देश की जनता बड़ी समझदार है, इस देश की जनता ने वोट दिया, इस देश सुनिए, नोमानी जी की बात आपने सुनवाई, इसी डिबेट के तकरीबन 10-15-20 मिनट के अंतराल में कोई इतनी मामूली सी हैसियत रखता है कि नोमानी की बात को काट दे? कर्नाटक में एक पूरे के पूरे सिस्टम ने काम किया, घर घर जाकर के जमातों ने काम किया, एक एक मरा हुआ शब्द आपने उनके विरोध में बोलते सुना? आपने लोगों को जोड़ने का काम किया तो भगवा भगवाधारी 50 चीज सनातन का उन्मूलन हमारा गठबंधन ही सनातन के खात्मे के लिए हुआ, हमें आपकी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं सर, बहुत अच्छे से। लेट मी कंप्लीट दादा, आप खूब अपनी राजनीति कीजिए, हमें कोई ताल्लुक नहीं। अगर बात सनातन पर और भगवा पर आएगी, मैं तो जीवंत खड़ा हूं, मरे हुए साधु भी बोलेंगे, याद रखना। और मुझे बोल, लेकिन लाभ क्या हुआ? लाभ क्या हुआ? मुझे बोल, लाभ क्या हुआ? मैं जानता हूं मुझे क्या। सुनिए दादा, आपके सनातन में शंकराचार्य हैं दादा, ये गजबे कहा कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त पे है, जिन्होंने कहा कि मैं वहां जाके क्या अमीश मोदी उद्घाटन करेगा और मैं ताली बजाऊंगा, रोचक क्या जानते हैं? पुर्जे शोर करते हैं मशीन के खराब होने पर, जुबान शोर करती है अकल के खराब होने। तर्क दीजिए ना सर, तर्क दीजिए ना, तो बताइए आप सब अच्छे। सुनिए सुनिए यार, गजबे आदमी बोलने नहीं दोगे तुम? अपने फायदे के लिए आदमी शंकराचार्य का अपमान किया, वोट के लिए किया, क्या ये क्या तरीका? पावर के लिए किया। मैं ये कह रहा हूं यार, छोड़ दो, क्या हो रहा है, क्या हो गया? अमीश बाबू पानी पुनी दो, नस फाड़ लेंगे अपनी, ये नस फाड़ लेंगे, यहां देख रहे हो यार, हो गया जो होना है। अगला आदमी मुझसे, वो व्यक्ति इस बारे में चर्चा कर रहा है जिसे धर्म का ध्यय नहीं पता। विश्वास ही नहीं है तो कहा आप चक्कर? शहजाद और फिर आप, मेरे कोई शब्द बुरे लग सकते हैं, हो सकता है, मगर ये यार वो ना कहे ना जिसने सेना को खून देने से मना किया, जिसने स्टेलिन का जूता पहन करके दुनिया देखी, चीनी चश्मा लगा करके लोगों को बहकाया, वो मुझे यह कहे कि मैं क्या बोलूं अध्यात्म पर, इतना सा शर्म बचा है?
आप हिंदू बेल्ट में हार गए, आप हिंदू बेल्ट में हार गए, ये बार बार कहा जा रहा है, जिसके लिए आपने बहुत कुछ करा उस बेल्ट में आप हार गए। ये मेरे ये बोले आपके बगल वाले खड़े बोल रहे हैं, हमें माफ करो, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, इसलिए प्लीज, ये हिंदू में हार गए, मुस्लिम में हार गए, हमारा जवाब जवाब ये आपके बगल में बोले उनको टोकते, आपने हिंदू में हार गए, हाँ हिंदू बेल्ट में हारे बोला, उनके हिंदुत्व के एजेंडा को, हाँ बिल्कुल, तो और क्या हुआ, हिंदू बेल्ट में आप हार गए, हिंदुत्व का एजेंडा। इन्होंने अभिकाश शंकराचार्य के बारे में, शंकराचार्य एक लौते कांची के शंकराचार्य को एक सरकार ने जेल में डाला था, वो यूपीए की सरकार के दौरान पे जेल में गए थे, तब इन्होंने कंडेम नहीं उसका सेलिब्रेशन किया था, ये शंकराचार्य के मित्र बन गए। दूसरी बात, जब द्वारका जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आराधना करने गए थे, और यदुवंशियों को तो ज्यादा गर्व होना चाहिए, तब उसको नौटंकी और ड्रामा कहा गया। मुझे बताइए, टोपी पहन के, टोपी पहन के मस्जिद में इफ्तार में जाते हैं तब कैमरा ठीक होता है, और द्वारका में अगर कोई चला जाए यदुवंशी देख रहे, यदुवंशी बोल रहे, अब आप शांत रहिए। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, देखिए अब आपने नैरेटिव सुना, बीजेपी हारी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी हारी महाराष्ट्र में, मैं स्वयं स्वीकारने को तैयार हूं, परंतु बीजेपी की हार नहीं बता रहे, क्या बता रहे, हिंदुओं की हार हो गई अयोध्या, और अगर अजमेर में ये लोग जीते तो क्या मुसलमानों की हार है क्या, अजमेर में हारना मुसलमानों की हार है क्या, अजमेर में हारना मुसलमानों की हार है क्या, देखिए झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात फिर से सुन लीजिए, आप देखिए कि कितना बड़ा इनके मन में विषैला जहर है, कि अगर बीजेपी हारती है तो वो कहते हैं कि अयोध्या में हिंदू हार गया, और अगर ये लोग असम में जहां पर मुस्लिम बाहुल है वहां पर हारते हैं तो क्या इस्लाम की हार बोलेंगे, इस्लाम की हार बोलने की औकात नहीं है, सरकार से जुड़ा के नारे हो जाएंगे, हिंदुओं की हार बीजेपी की हार, हिंदुओं की हार, अनुराग की बारी, बीजेपी की हार तो हिंदुओं की हार कहना चाहिए, अखिलेश यादव ने बोला है, और एक बार सुनिए, अयोध्या के सांसद है, उनके ऊपर एक जय श्री राम का पटका डाला गया, पत्रकार ने पूछा कि ये पटका आपने डाला, उन्होंने बोला नहीं किसी ने डाल दिया तो मैंने स्वीकार लिया, वरना मेरी विचारधारा इससे अलग है, ये उनका वीडियो है, अब बताइए कि जय श्री राम आपकी विचारधारा है, बोलिए जय श्री राम, अनुराग बोलेंगे, अनुराग की बारी, आपको ताली ने जनता ने पीटा, अनुराग अनुराग जनता ने आपको पीटा है, तो इसीलिए 32 सीटें हैं, 32 सीटें दिए जनता ने, वेप आउट कर दिया, फिर भी चिल्ला रहे हैं, भरपूर मौका मिला। अनुराग प्रश्न ये है, अनुराग मेरा प्रश्न ये है, देखिए हिंदू हारा, हिंदुत्व हारा इस बात, लेकिन ईवीएम तो फाइनली जीत गई, अब ईवीएम की अर्थी तो नहीं निकालेंगे चार कंधों पर, मैं बोल लूं, बताइए अब बोल लूं, सवाल सवाल देखिए मैं मुझे दीजिएगा, क्योंकि जी आपके पास डेढ़ मिनट है, ईवीएम पे भी जवाब दीजिए। देखिए इन्होंने बोला कि हमने कहा, इन्होंने बोला एनडीए सरकार, मैंने कहा ताली बजाओ, क्योंकि हम लोग उसमें कामयाब हुए कि भारतीय जनता पार्टी को एहसास हुआ कि बीजेपी की सरकार नहीं एनडीए की सरकार है, तो उसका परसेप्शन मत बदलिए। दूसरा, आपने कहा कि देश के अंदर में हम कह रहे हैं कि हम अयोध्या जीते, बार बार कह रहे हैं हिंदू हार गया, अरे प्रभु हम तो बोल ही नहीं रहे, हम तो जब से आए तब से यही बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान जीता है, हमने कहा कि हिंदुस्तान की जनता जीती है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में जनता को जो दर्द भारतीय जनता पार्टी अच्छा। ने दिया था, और दर्द क्या था मैं आपको बता रहा हूं, दर्द वो था हम लोग आवाज उठा रहे थे हथरस की बेटी, दलित बेटी को रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया गया, पेट्रोल डाल के हमने आवाज उठाई, सरकार चुप रही, पर वो आवाज तो आपने आपने 19 में भी उठाई, तो ठीक है आपने आवाज उठाई, जनता को सुन तो लीजिए, लेकिन डिबेट छोड़ के नहीं जाऊंगा आपकी तरह, पीठ दिखा के भागने लगूंगा, पीठ नहीं दिखाता हूँ, पीठ नहीं दिखाता हूँ, जो आप भागने लगे थे अभी, पीठ नहीं दिखाता हूँ, अभी भी आपसे बहस कर रहा हूँ, खड़े होकर भागने लगे थे, भाग रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, अमीर से जा रहा हूँ, कहाँ जाओगे, साइकिल 20 दम है कि साइकिल ने बीजेपी को रोन दिया, मतलब देखिए कमल, कमल जो मां सरस्वती का फूल है, कमल जो मां लक्ष्मी का फूल है उसको रोन दिया, कमल जो विष्णु जी का फूल है उसको रोन दिया, साइकिल ने, ये इनकी सोच है, आप ही बोलते हो, अरे एक सेकंड, अभी अनुराग अनुराग की बारी है, कमल तो मां लक्ष्मी का है, नहीं अनुराग आपकी बारी है, नहीं आपका अधिकार है, आपको कहां से आ गई यहां, अरे मां लक्ष्मी की बात नहीं है, कमल किसका वाहन, मैं कह रहा हूं ये बीजेपी के कमल की बात हो रही है, आप लोग ईमानदारी से बताइए, अच्छा 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 ये बताइए अनुराग भाई, एक बात तो बताइए अनुराग भाई, अनुराग भाई ये बताइए ईवीएम की अर्थी तो नहीं निकलेगी, हां बोलिए बोलिए बोलिए, आज भी मैं कहता हूं समाज के अंदर में जहां ईवीएम गड़बड़ी होगी आवाज उठाई जाएगी, चुनाव आयोग अगर गड़बड़ी करेगा आवाज उठाई जाएगी, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उठाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि अन्याय होगा हम देखते रहेंगे, हम जीते हैं हारे अन्याय होगा आवाज उठेगी, ओके ओके ओके, ईवीएम ईवीएम के ऊपर पल अन्नामलाई की आवाज नहीं, स्वाति मालीवाल की आवाज नहीं,
थी सरकार की सी बात है। एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूँ, लेकिन देखिए कुछ प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 240 सीट हमने आपको दी वन नेशन वन इलेक्शन पे, यूसीजी रिजर्वेशन बनने और महिला रिजर्वेशन मिलते, क्या जब आप पार्टी की गठबंधन सरकार में ये फैसले मोदी सरकार ले पाएगी और या नहीं ले पाएगी? ओके, बेसिकली शहजाद पूरा वाला सवाल यह है कि कड़े और बड़े फैसले मोदी 3.0 कर पाएगा, यह एक संशय मन में लोगों के आ गया है। देखिए ऐसा है कि एनडीए 1 और एनडीए 2 की जब सरकारें बनी उन्हीं सरकारों में 370 हटा, उन्हीं सरकारों में तीन तलाक को हटाया गया। ये एनडीए 3 की बात है, सुनिए आ रही है। उन्होंने बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है वन नेशन वन इलेक्शन पर। आपको स्पष्ट कर दूं, वन नेशन वन इलेक्शन पर पिछली सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अंतर्गत एक नेतृत्व में कमेटी बनाई और हमारी पार्टी ने एक डिटेल रिपोर्ट देकर के कहा कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। पॉइंट सुनाई देगी आपको लीजिए जी। अब आपने पूछा है यूसीसी पर, यूसीसी पे हम सैद्धांतिक रूप में सहमत है, लेकिन हमने ये कहा है कि सभी स्टेक होल्डर से इस पर चर्चा की जाए, इस पर बात की जाए। महिला आरक्षण पर हम सुनिए, महिला आरक्षण पर आप एनडीए में है क्या? महिला आरक्षण पर क्या बोल रहे हैं? अरे एनडीए महिला आरक्षण पर आपको कोई जानकारी नहीं है? एनडीए की बात है ना, बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं ना, इसीलिए हम बता रहे हैं। अरे महिला आरक्षण पर हमारी पहली पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जिसने बिहार में महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण दिया था और सबसे पहली बार देश में पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया था और मोदी सरकार ने महिलाओं को संसद में और विधानसभा में जाने के लिए 33% आरक्षण दिया। और कोई प्रश्न है आपका? मेरा आप सबसे सवाल है कि कई कंस्टिट्यूएंसी ऐसी भी थी जहां पे नोटा को सबसे ज्यादा वोट दिया, जहां पे ना आपकी सरकार जीती ना किसी और की। कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था तो कांग्रेस ने मुहिम चलाई थी नोटा पर वोट डालने की, लेकिन वहां तो मतलब क्योंकि कांग्रेस की रणनीति क्या थी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वहां पर कंपैरिजन जिसको जितने वोट मिलते हैं कैंडिडेट से कंपैरिजन होता है, इसलिए बीजेपी रिकॉर्ड मतों से इंदौर की सीट जीत गई। नोटा के विषय पर 5 साल के लिए, राज्यसभा के एमपी 6 साल के लिए, अग्निवीर को नौकरी दे रहे 4 साल के लिए, आप बताइए खत्म करेंगे नहीं करेंगे बताइए? अग्निवीर क्या बैकआउट करेंगे मोदी 3.0 पर? अमित जी, अग्निवीर, अमित जी कुछ नहीं कर पाएंगे, अग्निवीर आपको करना है। अमित जी नहीं, अग्निवीर आप बताइए। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए, नोटा के विषय में एक बात बता दूं, उसके बाद में सारी चीजें। अग्निवीर बताओ नोटा हो गया, अग्निवीर बताइए जो सवाल बच्चों के भविष्य का। अमित जी देखिए अगर ये तरीके से डिबेट करेंगे तो अग्निवीर अग्निवीर इनका मतलब यह है कि अग्निवीर के पूरा खिलाफ है ना, सर खिलाफ है, पूरा खिलाफ है, ये उनका स्टैंड है। बताइए रखेंगे मनीष तिवारी ने अग्निवीर, मनीष तिवारी सरकार पर क्या स्टैंड है? कैसे रिका भाई ये कैसे स्टैंड है सरकार की? बताइए फलाने वाले ने स्टैंड दिखा, पूरा वाक्य विषय नहीं, पूरा मेरा वाक्य कर, मैं आपको करने दे रहा हूं स्वामी जी, 10 सेकंड। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि स्पीकर जैसी स्थिति आपका कर दिया। एक रोचक बात कहूंगा कि सनातन पर सनातन के विरोध में, हिंदुत्व के विरोध में कोई भी देश का पक्ष और विपक्ष ना बोले। अगर जब आप बोलते हो तो हम लोगों को कष्ट होता है। और मैं एक बात आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, एक मैंने कब वोट मांगा? एविडेंस दे, एविडेंस मांगिए इनसे, मैंने कब वोट मांगा? ये एविडेंस दे, मैंने कब वोट मांगा? ये एविडेंस दे, आप इन्होंने कब वोट मांगा? कोई एक प्रमाण दे, क्योंकि ये कहते हैं। मैं आप सबके सामने कहता हूं, मैं 2 मिनट में यहां से चला जाऊंगा, कोई एक एविडेंस दे, एविडेंस दीजिए, एविडेंस जुबान पर लगाने हो जाए एविडेंस उदाहरण दीजिए। मैं कब वोट मांगा? मैं आप सबसे कहता हूं, कब वोट मांगा था? उदाहरण दीजिए। देखिए मैं देता हूं, अमीश भाई ने उदाहरण दे, उदाहरण दे, अरे उदाहरण सुनिए आप, नेशनल टेलीविजन पे आप बोल देंगे, उदाहरण दीजिए। ओम शांति, ओम शांति करिए पहले, ठंडा पानी पीजिए भाई साहब। ये तरीका आप देर बताइए, तारीख बताइए, समय बताइए, मैं वीडियो फुटेज बताता हूँ कब वोट मांगा, मेरी बात बताइए। मतलब आप बता रहे हैं साधु पर झूठा, हमारी चाहे विचारधारा जो भी हो, एक स्वामी जी को बार बार लगातार अपमानित करना, ये लगता है कि इस प्रकार की इस प्रकार की संस्कृति दिखाती है कि किस प्रकार से आप लोग हिंदू समाज के प्रति घृणा रखते हैं। कोई मौलाना होता तो मौलाना के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। मैं क्यों नहीं आया? अरे कोई दूसरी बात, अरे भाई कौन अपमान कर रहा है? सब यहाँ हिंदू मुस्लिम दूसरी बात करके माहौल बनाना चाहते हैं। अभी आजकल आपने देखा होगा, जवाब जनता का नहीं है तो हिंदू पे आ जा रहे भाई। हम अनुराग बाबू कौन नहीं है भाई? अनुराग बाबू बात कर रहे हैं, अनुराग बाबू मैं आपका सम्मान वैसे करता हूँ, छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ झूठ बोला क्यों? आपको मांगते हैं वोट, बताइए कहाँ मांगे? फिर बोल रहे हैं कहाँ मांगे वोट, कहाँ मांगे? बोलने तो दो, बता देता हूँ कहाँ मांगे। वामपंथी चैनल पे, इसी चैनल पे वामपंथी, आप कह रहे हैं कोई वामपंथी झूठ बोलता है? वामपंथी झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं, 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 बिल्कुल सबूत दीजिए।
आपने इसी बोले इसी शो में कहा था, क्या कहा था कि जिसने राम मंदिर जिस पार्टी ने बनाने को फैसिलिटेट किया है मैं उसी के साथ खड़ा हूँ, क्या क्या होता है, मांगते हैं वोट ये झूठ बोल रहे हैं, आप बीजेपी की बैटिंग करते हैं नहीं करते हैं, किसी मैंने किसी की बैटिंग किया क्या, जोर से बताओ भैरे लोगों को किया क्या। ठीक है, ऐसा है, अब इन्होंने हमारे आगे का एजेंडा तो बता दिया, आपने दो दिन से देखा है वीडियोस आ रही हैं जहां पर कुछ महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर पर जाकर पूछ रही है 1 लाख रुपए कब मिलेंगे, अब मुझे बताइए डेट बताइए, अपनी सरकारों में, अपनी सरकारों में कब देंगे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए अपनी सरकारों में कब देंगे, 1 लाख रुपए चाहिए नहीं चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए नहीं चाहिए, हाया ना बोले हाया ना चाहिए नहीं चाहिए, 1 लाख रुपए अपनी सरकार में, आप सुन तो अब कंडीशन लगा, सुनो तो अरे ताली ताली क्यों बजाते हैं, सुनो तो बात यार, अपनी गजब है ताली बजाते हैं, 1 लाख का फोन रख रखा है इन्होंने, लेकिन 1 लाख रुपए अपनी सरकार में। देखिए सवाल ये, हमने कहा था अगर हमारी सरकार आएगी, सरकार आएगी, सरकार आएगी और कहां से दे देंगे, सरकार आप और दे देंगे, आप देंगे, आप सरकार आप क्यों नहीं देंगे, आप दीजिए ना सरकार आती है, आप अच्छा देखिए देखिए फिलहाल फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही, लेकिन 1 लाख रुपए कब देगी सपा और कांग्रेस पार्टी जो महिलाएं उनके दफ्तर में पहुंची हुई हैं, इसका ऐलान जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो भीड़ बढ़ती जाएगी, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अयोध्या हारने का बीजेपी को चिंतन मंथन करना पड़ेगा और जरूर करना पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश में क्या खेल हुआ उसका भी चिंतन बीजेपी को करना पड़ेगा, लेकिन विपक्ष के लिए मेरी एक साफ सुथरी सलाह है कि जब आपके नंबर थोड़े बेहतर आए तो थोड़ा समन्वय ज्यादा बेहतर बनाना चाहिए, यानी उसमें मदमस्त नहीं हो जाना चाहिए कि देखिए हमारे तो पहले 30 ही नंबर आते थे, अब गलती से 90 आ गए हैं, फिर 100 आ गए हैं, तो हम 100 के ऊपर हम सोचेंगे सामने वाला जो है वो फेल हो गया है। देखिए आपकी स्थिति बड़ी खराब थी, सामने वाला अभी भी आपसे बहुत आगे है, इसलिए अगर अपनी मेहनत को बरकरार नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। और दूसरा, ये बात तो सत्य है और जनता जनार्दन आपको भी समझ लेनी चाहिए कि हिंदुत्व के सामने पीडीए जीता है, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो दाव था वो जीता है, कितना भी आप हिंदू हिंदुत्व कर ले, लेकिन पीडीए का जब खेल आएगा तो हिंदुत्व हार ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूपी के लोकसभा